तो हम है इस केरला की ट्रिप पे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है केरला। तो गाइज हम फिर से अपने उसी किनारे पे जा रहे हैं जहाँ से कल हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ये है मेरे पीछे एलएपी का बीच। भैया यहाँ पे एक कांड हो गया, गाड़ी का टायर मिट्टी में बीच पे घुस चुका है। ये पंच पॉइंट है आपके। गुड मॉर्निंग गाइज, तो सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी काफ़ी अच्छा दिन निकल चुका है। तो मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं, दिन निकल चुका है। आपको दिखाता हूँ विंडो में, ये मॉर्निंग का व्यू। अभी रेडी होना है निकलने के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, तो रेडी होते हैं। अभी एडी तो सो रही है, ये देखिए अभी एडी सो रही है, तो एडी को जगाना है और फिर निकलते हैं। रवि और सिमी तो लगता 6 बजे उठ गए थे, मैसेज आया था उनको मेरे पास 6 बजे, बट मैंने देखा 7 बजे। ये रात को यहाँ पे बारिश भी हुई थी, ये दिख रहा होगा पूरा गीला गीला हल्का। चलते हैं टेरेस पे, चलते हैं। ये एलएपी की बहुत ही ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। नाइट में हल्की बारिश हुई थी, उससे हल्की सी ठंड बढ़ चुकी है। डिनर में दाल थी, चिकन था, बाकी सब लोग चिकन पे टूट पड़े, बट मुझे दाल बहुत अच्छी लगी। तो आपने देखा होगा पूरा भगोना, वो पूरा मैंने ही ख़त्म किया था। तो इतना खाने के बाद में मुझे उम्मीद थी कि नींद आ जाएगी, बट 12 बजे तक मुझे नींद नहीं आई और 3 बजे मेरी अनफॉर्चुनेटली नींद खुल गई। और इधर उधर करवटे बदलता रहा, फिर चेक किया नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, तो वो लोकेशन फाइनल की। अभी उसके बाद में अभी डिस्कस करना है फाइनली अभी कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे जाना है। अभी ब्रेकफास्ट टेबल पे डिस्कस करेंगे सभी के साथ में। अभी तो यहाँ का वेदर एंजॉय करते हैं 5-10 मिनट, तब तक सभी लोग उठ जाएंगे। उठने के बाद में आपको दिखाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। हम कहाँ जाएंगे, बीच पे जाएंगे या डायरेक्ट कुमिली थेगड़ी, जो भी होगा डिस्कस करते हैं और निकलते हैं। तो अभी मैं एडी के लिए उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ। ये है रागी, रागी मिल्क में डाल के। तो अगर आप भी यहाँ पे किचन में हाउस बोट के अंदर हुए, अपने लिए कुछ स्पेशल डिश बनाना चाहते हो या बनवाना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे इजीली बन जाएगी। देखते हैं एडी को पसंद आएगा पापा का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट। तो भैया हम तो रेडी हो चुके हैं, तो अभी एडी का रेडी होना भी बाकी है। और अभी ये देखो सबसे बड़ा टास्क ये पूरा सामान सब करना है। अब जब बच्चे साथ में हो ना तो इतना रंग बड़ंग हो ही जाता है पूरा सेट करने का। तो अभी पहले इसको निकालते हैं। तो गाइज हम फिर से अपने उसी किनारे पे जा रहे हैं जहाँ से कल हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बहुत ही शांत पानी है, सभी बोट अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ से आई थी वहाँ पे रिटर्न जा रही है।
ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और इसमें है इडली सांभर और ये हमारी कोकोनट की चटनी और ये हमारे सभी हैं भुखड़ लोग खाने वाले लोग। ये तो देखो पतीले में लग गई और ये हमारी ब्यूटीफुल वाइफ। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं इस चाय की चुस्की के साथ आपका फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो हम है इस केरला की ट्रिप पे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है केरला। तो आज हम एलएपी को बाय बाय करने वाले हैं, उससे पहले हम जाएंगे एलएपी के बीच पे और बीच पे एंजॉय करेंगे। बीच का वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो इतना धूप तो हमें मिलेगा नहीं, हल्के हल्के बादल हैं। तो अभी तक तो गाइज निकल पड़े हैं अपने हाउस बोट को छोड़ के एलएपी बीच की तरफ। आप हालत तो देख सकते हो क्या हालत है, कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, पूरे पसीने में लथपथ हो चुके हैं। अभी ये हमारे साथ अनवर भाई जान आ चुके हैं, तो अभी ये हम जा रहे हैं तो हम अभी एलएपी बीच पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बीच का इंजॉय करेंगे। आप भी साथ में बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो चलते हैं अपने इस केरला ट्रिप के अंदर आगे। एलएपी का सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है पुदुकाडु, है ना भैया? पुदुकाडु, पुदुकाडु रेलवे स्टेशन। चलो तो गाइज हम पहुंच गए एलएपी के बीच में, बीच में नहीं किनारे पे। हेलो एडी, कहाँ है? ये है मेरे पीछे एलएपी का बीच। फ्रेंड बहुत ही अच्छी जगह है बीच, बट काफ़ी लहरें काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही है, तो इस वाले पानी के अंदर नहाना तो पॉसिबल नहीं है, बट वही अपने पाँव भिगो सकते हो। मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, फिर भी मेरे शॉर्ट्स भी पूरे गीले हो चुके हैं। ये fly, my fly, my fly, 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 f
यहाँ पे रील का प्रोग्राम चल रहा है, रील्स बनाई जा रही है। चाहिए ना आप ऐसे, ये बिहाइंड द सीन, ये बिहाइंड द सीन। देखते देखते एक घंटा बीत गया, पता भी नहीं लगा। अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो एसके भार्गव मेरे इंस्टा आईडी है, आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए। अभी एलएपी बीच को बाय बाय बोलकर निकलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। भैया यहाँ पे एक कांड हो गया, गाड़ी का टायर मिट्टी में बीच पे घुस चुका है। ये पंच पॉइंट है आपके ब्लॉग का। आज का कांड बीच पे हुआ, कांड वाले। चलो आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अभी एक हमारे ये गुजराती भैया मिले हैं तो इन्होंने बोला है कि हाइड्रा आएगी, तो अभी वो जो देख रहे हैं हाइड्रा, वो हाइड्रा आ रही है अभी इसी साइड में, तो गाड़ी को रेस्क्यू करेंगे तो लग जाएंगे अभी 15 मिनट और, 10:45 तो हो चुके हैं, निकलते निकलते 11:15 हो जाएंगे। पहले एक्सपेक्टेड था कि 10 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, तो रास्ते में जो भी 3-4 साइट्स डिसाइड की थी तो वो कवर कर लेते हैं, बट लगता है कि 1-2 साइट स्किप करनी पड़ेगी और मैं भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो गाड़ी को रेस्क्यू करते हैं। अंदर मैडम भी हाइपर हो रही है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रखी है और मैडम को गुस्सा आ रहा है। तो देखिए क्या कंडीशन हो रखी है, टायर की पूरा अंदर घुस चुका है। गाड़ी न्यूट्रल कर दो, गाड़ी सीधी कर लो खाली, कुछ करना नहीं, गाड़ी न्यूट्रल कर दो, गियर निकाल लो, न्यूट्रल कर दो, सीधा स्टीयरिंग कर लो बस, कुछ करना नहीं। सुनो दूर रहो, बैठे रहो बाल बच्चों, दूर रहो और दूर आ जाओ, ये डायरेक्शन में चली जाओ, ये छूट गया तो सीधा लगेगी इससे। वेरी गुड, हाथ चलने दो,
गाइज गाड़ी हमारी निकल चुकी है, अब हम जा रहे हैं कुमिली। यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर का बंदा है, हाईवे बन रहा है। मुश्किल से फिर भी आया। चलो आया तो सही, कुमिली जा रहा है अभी। तो भैया बोल रहे हैं हम कुमिली जा रहे हैं अभी। तो कुमिली में रास्ते में अच्छी अच्छी लोकेशन आएगा, तो उस लोकेशन को हम एंजॉय करेगा। तो इस बार गाड़ी हम नहीं फंसाएगा, बट गाड़ी हमारा यहाँ फंस गया। ये देखिए यहाँ रेलवे ट्रैक, वहाँ से निकला अब यहाँ फंसा। और सुबह सुबह हमने क्या किया, हमारे बैग का ताला तोड़ा। ये हमारा तीसरा स्टॉपेज है रुकने का। कांड तो ये था।